नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुरभि बीएम किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन के पत्ते का रिकवच। तो आप देख सकते हैं, ये रिकवच को मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसे भाप में पकाने के बाद हम इसे फ्राई करके खाते हैं। तो वैसे ही मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सहजन तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इसके पत्ते होते हैं वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, तो इसीलिए इसका सेवन हमें करना चाहिए। तो चलिए, इसके पकौड़े तो सभी लोग खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो इसका आज हम रिकवच बना के खाएँगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सहजन, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, इसके पत्तों को मैंने ले लिया है। तो इस तरह से इनकी पत्तियों को पहले हम अलग से निकाल लेंगे हाथों से, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो और इन्हें किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, इनके पत्तों को। तो बस यहाँ पे सारे पत्तों को हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद इसे अच्छे से हम धुल लेंगे। तो बस इसी तरीके से और इसके पत्ते हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारे पत्ते जितने भी निकले मैंने निकाल लिए हैं। तो हमें कोशिश करना है कि पत्ते जो हैं वो मुलायम ही पत्ते हों, ज़्यादा जो कड़े पत्ते हो जाते, बहुत पुराने पत्ते हो जाते हैं, वो पत्तों का यूज हमें नहीं करना है। जो थोड़े नए नए पत्ते होते हैं, मुलायम पत्ते, उन्हीं पत्तों का हमें यूज करके यहाँ पे रिकवच बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, अब पत्तों को हम क्या करते हैं, दो या तीन पानी से अच्छे से धुल लेते हैं, ताकि इसकी जो भी गंदगी हो वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, दो से तीन पानी से इसे मैंने धुला है, बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसकी रिकवच बनाएंगे, और इसे सबसे पहले हम थोड़ा काट लेते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं भी काटेंगे तब भी इसके रिकवच बन जाएंगे, लेकिन काट लेंगे तो और ही अच्छे से बन पाएंगे। तो इन्हें थोड़ा सा हम और काट लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। बस थाली में रख के या हाथों में लेके इसे चाहे जैसे आप काट लीजिए थोड़ा सा, और तो ये थोड़े से और छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए, दो मिर्चा लिया है मैंने, धनिया है, जीरा है, काली मिर्च और लहसुन है। इन मसालों को हम अच्छे से पीसेंगे, क्योंकि ये मसाले हम इसमें डालेंगे इन्हें चटपटा बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो चावल भिगा के रख दिया था 1 घंटे पहले, ये अच्छे से अब फूल चुका है, तो इसे भी हम मिक्सी में पीस लेंगे इसका पानी निकाल के। तो चलिए, सबसे पहले हम इन चीज़ों को पीस लेते हैं। तो और यहाँ पे देखिए, पत्ते भी कट चुके हैं, तो अब हम मसाले को पीस लेते हैं, उसके बाद इसमें सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चावल जो है मैंने पीस लिया है, तो उसे हम डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अब हम मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा मसाला यहाँ पे बचा ले रही हूँ, और बाकी डाल दिया है मैंने। और इसके साथ ही यहाँ पे अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, तो नमक मैंने डाल दिया है। और अब यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डालने से इसमें कलर अच्छा आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे डाल देते हैं बेसन, तो बेसन तो ज़रूर डालेंगे, तभी इसमें बाइंडिंग अच्छी हो पाएगी, अच्छे से मिला के तभी हम इसके जो है रिकवच बना पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बेसन डाल दिए, अभी तो मैंने थोड़ा बेसन डाला है, कम ना होगा तो और डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, खटाई मैंने डाला है, जिसे आमचूर पाउडर बोलते हैं, इसे भी ज़रूर डालेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग भी डालते हैं, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो बस अब सभी चीज़ें मैंने मिला दी हैं, और अब इन्हें बिना पानी डाले ही, क्योंकि ये पानी से धुला हुआ है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत पानी है इसमें, पानी की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। बस इन्हें हाथों में आराम से मिलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, बहुत ही आसानी से अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बेसन कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा बेसन और डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से अब हम मिला लेंगे। तो बस लगातार इस तरह हाथों से इसे मिलाते जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अब ये मिक्स हो चुका है, और अब इसके हम इस तरह से, इसे हम लोग लोढ़ा बोलते हैं, इसे हम बना लेंगे। आप इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर 2 लोढ़े बना लेते हैं, और फिर जो
चलने वाली थाली होती है जिसमें हम लोग भाप देते हैं, उसी में इसे रख के हम पकाएंगे। बस सेम प्रोसेस वही हम जैसे अरवी के पत्ते का रिकवच बनाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पत्ते का भी रिकवच बना रहे हैं। ये भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस देखिए बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थाली ले लेते हैं जिसमें हमें भाप देना है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, आसानी से छूट जाए। तो थोड़ा सा तेल लगा के इन्हें हाथों से अच्छे से पूरे थाली में मिला देंगे और उसके बाद जो हमने लोढ़े तैयार किए हुए हैं उन्हें हम इसके ऊपर से रख देंगे दोनों। तो बस देखिए इस तरह से दोनों हमने अच्छे से रख देना है और उसके बाद जो है भाप वाले जो भी हमने भगोना गैस पर चढ़ाया हुआ है, पानी गर्म हो रहा है उसमें, उसी के ऊपर से अब हम इसे रख देंगे। और करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इन्हें भाप से पकने में अच्छे से, क्योंकि ये थोड़े मोटे मोटे होते हैं तो अंदर तक ये अच्छे से पक जाएँ इसके लिए हम कम से कम 15 मिनट इन्हें गैस पर चढ़ा देंगे, ताकि 15 मिनट इसमें बहुत अच्छे से भाप लग जाए। तो 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें चढ़ा देते हैं। तो और चढ़ाने के बाद अब क्या करेंगे, पानी देखिए हमारा गर्म हो चुका था और अब हम इस पर चढ़ा दिए और इसे थाली से अब हम ढक देंगे और ताकि इस पर अच्छे से भाप लग जाए। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, इसका रिक्वेस्ट अब किसी ने नहीं बनाया है, मतलब जल्दी नहीं कोई बनाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है आप लोगों को भी पसंद आए, आप लोग भी इसे बनाएं। और इसके पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं तो इसे हमें बनाना खाना चाहिए और आसानी से मिल भी जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले जब ये पक गए हैं तब इन्हें मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडे होने के लिए, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं तभी ये अच्छे से कट पाते हैं, गर्म में काटेंगे तो अच्छे से कटेंगे नहीं। तो देखिए अब ये मैंने काट लिया, अब हम क्या करते हैं इसे पैन में फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें तेल डाल देंगे और इसके ऊपर से जो हमने कटे हुए रिकवच थे वो यहाँ पे हम डाल देते हैं ताकि इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम तेल ऊपर से फिर से डालेंगे क्योंकि इन्हें अच्छे से फ्राई करना है उलट पलट के। तो थोड़ा सा तेल यहाँ पर ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही अच्छा सा कुरकुरा सा ऊपर नीचे से हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इसे इसी तरीके से हमें थोड़ा तेल डाल के उलट पलट के अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फ्राई हो गया है, एक तरफ से सिक गया था तो मैंने इसे पलट दिया है, दूसरी तरफ से भी ये सिक रहा है। तो बस इसे इसी तरीके से अच्छे से हमें क्या करना है, फ्राई कर लेना है। और ये हम क्या करते हैं, इस आप कैसे खाते हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसे चाय के साथ खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो बस इसे इसी तरह पका लेना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से जितने भी रिक्वेस्ट हैं ना हम फ्राई कर लेंगे। तो आवश्यकता अनुसार यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर बाद में उसे फ्राई करके खाऊँ खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इतने रिक्वेस्ट मैंने फ्राई कर लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखने में बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।